नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भैंसदेही में पीआईयू विभाग ने 80 लाख रुपए की लागत से जनपद पंचायत भवन का निर्माण किया है, जिसमें अभी से जगह जगह दरारें आने लगी हैं। पीआईयू विभाग के मार्गदर्शन में भवन की दीवारों में आने वाली दरार को पुट्टी भर छुपाया जा रहा है। घटिया निर्माण कार्य को लेकर 3 माह पूर्व उपयंत्री भूमरकर को नगर के गणमान्य नागरिकों ने अवगत कराया था, लेकिन उपयंत्री भूमरकर ने विभाग के क्षेत्रीय उपयंत्री के साथ मिलकर भवन की दीवारों को लीपापोती कर छुपाने का प्रयास किया है। अभी नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी नहीं हुआ है और पहली बारिश में भवन दम तोड़ने लगा है। अब देखना यह है कि जनपद पंचायत भवन को हैंडओवर से पहले गुणवत्ता की जांच करती है या नहीं। जनपद पंचायत के भवन में ग्रुप फोटो सेशन तो हुआ है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक धर्मू सिंह सिरसाम, जनपद अध्यक्ष संजय मावर्सकर, जनपद उपाध्यक्ष दिनेश बागदरे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी NS रघुवंशी, खंड पंचायत अधिकारी, समस्त उपयंत्री एवं कर्मचारी गण मौजूद रहे, लेकिन नवनिर्मित भवन की गुणवत्ता पर जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया है, जिसके कारण लाखों रुपए की लागत से बना भवन कुछ वर्षों में ही घटिया निर्माण कार्य के चलते धराशाही हो सकता है। खबर समय जगत के लिए भैंसदेही से बाबा सोलंकी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।